अयोध्या राम जन्मभूमि देश के इतिहास के सबसे लंबे और विवादास्पद मामलों में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास प्राचीन है, जो 1528 से 2023 तक 495 वर्षों तक फैला हुआ है। कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने राम जन्मभूमि के इतिहास को चिन्हित किया है। 9 नवंबर 2019 विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जब 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये एक नजर डालते हैं टाइमलाइन पर। 1528 मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी द्वारा विवादित स्थल पर एक मस्जिद के विवादास्पद निर्माण का आदेश दिया गया। हिंदू समुदाय का दावा था कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर था। हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद के गुंबदों में से एक के नीचे वाले स्थान पर भगवान राम का जन्म स्थान था। 1853, 1949 उस स्थान के आसपास सांप्रदायिक दंगे हुए, जहां 1853 में मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित क्षेत्र के चारों ओर एक बाड़ लगा दी, जिससे मुसलमानों को मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति मिल गई और हिंदुओं को प्रांगण के पास पूजा करने की अनुमति मिल गई। 1949 अयोध्या राम जन्मभूमि पर वास्तविक विवाद 23 सितंबर 1949 को शुरू हुआ, जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। हिंदुओं का दावा था कि भगवान राम वहां स्वयं प्रकट हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावनाएं आहत होने और हिंसा भड़कने के डर से आदेश लागू करने में असमर्थता जताई। 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गईं, एक विवादित भूमि पर भगवान राम की पूजा की अनुमति देने की मांग और दूसरी मूर्तियां स्थापित करने की अनुमति मांगी गई। 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर कर विवादित जमीन पर कब्जा करने और मूर्तियां हटाने की मांग की। 1984 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे की याचिका के आधार पर के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी और ढांचे से ताले हटाने का आदेश दिया। 1992 6 दिसंबर 1992 को एक ऐतिहासिक घटना घटी, जब विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इसके कारण देशव्यापी सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों लोगों की जान चली गई। 2002 गोधरा ट्रेन जलाने की घटना, जिसमें हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था, के परिणाम स्वरूप गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के बाहर समाधान का आह्वान किया और कई भाजपा नेताओं पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया। मध्यस्थता पैनल ने बिना कोई समाधान हासिल किए 2 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू की और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 2020
25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलला की मूर्तियों को तंबू से फाइबर के मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया और 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ। 2023 एक बार फिर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, जिससे दशकों से चले आ रहे विवाद का अंत हो जाएगा और रामलला की पूजा अर्चना समारोह पूर्वक की जाएगी।